स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपको संस्कृत की कुछ विशेष जानकारियां देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको ध्यानपूर्वक देख करके समझेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं आज संस्कृत के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले संस्कृत भाषा में तीन पुरुष होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे आप बोलते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसी प्रकार से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या होता है, स इट मीन्स वह, तौ वेदो और ते वे सब। मध्यम पुरुष में तवम, तुम, युवाम तुम दोनों, युवन तुम सब। और उत्तम पुरुष में होता है अहम, मैं, आवाम हम दोनों और वयम हम सब। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं। जैसे कि हमने देखा हुआ ना, हिंदी में हम देखते हैं एक वचन बहुवचन, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं एक वचन, जैसे स वह एक है, तवम तुम भी एक हो, अहम मैं भी एक ही हूँ। द्विवचन में तव तुम दोनों, युवाम सॉरी तव वेदो, युवाम तुम दोनों और आवाम हम दोनों। इसी प्रकार बहुवचन ते वे सब, यानी कि वे सभी के सभी जितने भी है, चाहे वो तीन हो, चाहे वो तीन से ज्यादा भी हो, कितनी भी संख्या रहे। यूयम तुम सब और वयम हम सब, हम चाहे कितने भी हो। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संस्कृत भाषा में तीन पुरुष और तीन वचन होते हैं। आइए आगे फिर समझते हैं। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं, जैसे पुलिंग राम, बालक और स। स्त्रीलिंग ऋषिका, बालिका, सा। सा का मतलब वह कोई लड़का या कोई पुरुष, सा का मतलब है कोई औरत या कोई लड़की। और नपुंसक लिंग चक्रम पत्रम और फलम, ये संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब आइए लकार देखते हैं। संस्कृत भाषा में हम पांच लकार होते हैं। वैसे तो संस्कृत भाषा में लकार 10 होते हैं, लेकिन 8th क्लास तक हम पांच लकार का ही प्रयोग करते हैं। मैं उन्हीं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले लट लकार, वर्तमान काल जिसे आप प्रेजेंट बोलते हो, जैसे पढ़ती, इसका मतलब होता है पढ़ रहा है, इट मीन्स प्रेजेंट में। नंबर दो लंग लकार, यानी कि जो समय बीत चुका है, भूतकाल, अपठ जैसे वह पढ़ता था, जैसे कोई काम हम करते थे, किया था, इट मीन्स पास्ट। और लट लकार जैसे भविष्य काल, पठिष्यति पढ़ेगा, जाएगा, इट मीन्स फ्यूचर। ये इस प्रकार से संस्कृत भाषा में